क्या आपको पता है कि एक इंसान अपनी पूरी ज़िंदगी में कितने लीटर पानी पीता है और पानी की कमी की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम अराइज हो सकते हैं हमारी बॉडी में, खासकर टीनेजर में या फिर यंग एडल्ट एंड एडल्ट में। तो मैं हूं डॉक्टर मीर, आप सबको मेरे इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत ज़्यादा स्वागत है। आज हम इन सवालों को लेकर ही बात करेंगे। वन एन एवरेज अगर कोई इंसान 60 टू 70 ईयर्स तक जीता है और दिन में 2 से 2.5 लीटर तक पानी पीता है तो पूरी ज़िंदगी में 40,000 से लेकर 60,000 एवरेज पानी लीटर पानी पी सकता है। मतलब मेरे घर में जो टंकी है 1000 लीटर का, ऐसा 40 टू 60 टंकी का पानी पूरी ज़िंदगी में हम पी सकते हैं। फिर भी हमारी बॉडी में पानी की कमी होता है, अरे बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट है। खासकर मैं जब अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस करता हूँ, क्लिनिक में जाता हूँ और बच्चों से बात करता हूँ, जो 15 से लेकर 30 इयर्स के एडल्ट से बात करता हूँ, तो इनमें से कुछ कॉमन प्रॉब्लम है जिनके में एक है पानी का कम पीना। मतलब जो प्रॉब्लम आता है उनका कारण है, एक कॉमन कारण है वो पानी की कमी, बॉडी में पानी की कमी। तो मैं पूछता हूँ आप पानी क्यों कम पीते हैं, तो उनका जवाब रहता है मैं पानी, मुझे प्यास नहीं लगता। तो कोई बोलता है मन नहीं करता पीने का, कोई बोलता है सिर्फ खाना खाने के बाद थोड़ा पानी पीता हूँ, कई बोलते हैं जब मन हो तो तब पीता हूँ नहीं तो नहीं पीता। अगर आप ऐसे पानी पीते हैं और कम पानी पीते हैं तो आपके बॉडी में बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं, जैसे डाइजेस्टिव प्रॉब्लम, आपको यूरिनरी प्रॉब्लम हो सकता है, आपके ब्रेन में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, आपकी स्किन में कुछ प्रॉब्लम हो। हम इस चार टॉपिक की बात करेंगे। पहला डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में अगर आप पानी कम पीते हैं तो आपका डाइजेशन हो ही नहीं सकता सही तरीके से। अगर अभी आपको डाइजेशन हो जा रहा है तो आप सिर्फ टाइम का इंतज़ार करिए, कुछ वक्त के बाद आपके बॉडी के हिसाब से वक्त डिपेंड मतलब वेरी करेगा, तो कुछ वक्त के बाद आपको डाइजेस्टिव रिलेटेड प्रॉब्लम होगा ही होगा। सेकंड एसिडिटी, हाइपर एसिडिटी। मतलब पानी क्या करता है, एसिड जो सिक्रेशन होता है हमारे स्टोमक में HCl, उसको डायल्यूट करता है, और डायल्यूट करने से पानी हमारा जो खाना है वो खाने को जल्दी से हजम हो जाता है और बॉडी उसको एब्जॉर्ब भी जल्दी से कर पाता है पानी से। अगर आप पानी ज़्यादा नहीं पिएंगे या फिर राइट अमाउंट में नहीं पिएंगे तो एसिड का जो कंसंट्रेशन वो बढ़ेगा और आपको जो हार्डवर्न होते हैं, जलन होते हैं हमारे सीने में खाना खाने के बाद, ऐसा जलन या फिर सवारी डक्टेशन होता है, मतलब खट्टा ढकार होता है ये प्रॉब्लम, या फिर एक लॉन्ग टर्म में गैस्ट्रिक अल्सर की जैसे प्रॉब्लम भी हो सकता है। सबसे कॉमन प्रॉब्लम है कॉन्स्टिपेशन, मतलब स्टूल हार्ड हो जाना एक दिन के बाद या फिर 2 दिन 4 दिन 6 दिन, एक कई कई 7 दिन 10 दिन के बाद भी कॉन्स्टिपेटेड ऐसा होता है, ये बहुत ही कॉमन है। तब पानी कम पीना, अगर पानी आप कम पिएंगे आपकी बॉडी के जो पानी ज़रूरत पानी है वो बॉडी एब्जॉर्ब कर लेगा, इंटेस्टाइन उससे एब्जॉर्ब कर लेगा, तो इसमें स्टूल में पानी नहीं बचेगा और पानी नहीं बचने से स्टूल क्या होगा, हार्ड हो जाएगा, कॉन्स्टिपेशन आप कॉन्स्टिपेशन फील करेंगे। अब आते हैं किडनी रिलेटेड या फिर यूरिन रिलेटेड। पानी कम पीने से आपका यूरिन का जो कलर है वो यूलेस होता है, पानी आपका यूरिन में जलन होता है, बर्निंग सेंसेशन होता है, क्योंकि पानी कम पियेंगे तो आपका यूरिन पैसेज का यूरिन जो फ्रीक्वेंसी वो भी कम होगा और इससे देर से यूरिन पास करने से आपका बैक्टीरिया का जो ग्रोथ है ब्लैडर में वो बढ़ेगा, इससे बर्निंग सेंसेशन पैदा मतलब रेगुलर फ्रीक्वेंटली पैदा होगा। और यूरिन पास से यूरिन से हमारे बॉडी में जो भी खराब चीज़ें हैं वो बाहर निकल जाती, फ्लैश आउट हो जाता है, तो अगर वो नहीं निकलेगा तो बॉडी में जम जाएगा और बॉडी में जम के क्या करेगा, खासकर किडनी में किडनी स्टोन पैदा करेगा। थर्ड आता है ब्रेन। हमारे ब्रेन हमारे बॉडी के बाकी हिस्से के बाद मतलब बात ना करें तो सिर्फ ब्रेन की बात करें तो ब्रेन सिर्फ हमारे जो ब्रेन में सेल्स हैं जो भी चीज़ें हैं मतलब हमारे मस्तिष्क का वो सारा उसमें 85% सिर्फ वाटर है, पानी है। तो अगर आप पानी सही से नहीं पियेंगे तो सबसे ज़्यादा नुकसान ब्रेन को होगा। क्या होगा प्रॉब्लम, प्रॉब्लम हो सकता है आपको जो भी काम करते हैं, अगर आप लिटर मतलब स्टडी से लेकर काम करते हैं या फिर कोई भी जहाँ पे आपको कंसंट्रेशन फोकस की ज़रूरत है, डेडिकेशन की ज़रूरत है, आप नहीं कर पाएंगे, आप जल्दी से फोकस खो देंगे, कंसंट्रेशन खो देंगे, आपको बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन महसूस होगा, बहुत जल्दी आपको रेस्टलेसनेस महसूस होगा, आप एक जगह टिक नहीं पाएंगे, ऐसा हो सकता है। अगर माइग्रेन है या फिर हेडेक है वो ज़्यादा मतलब उसका फ्रीक्वेंसी आपको बढ़ सकता है या फिर उसका जो जितना होता था पहले उससे ज़्यादा हो सकता है। चौथा है स्किन। सबसे कॉमन प्रॉब्लम डिहाइड्रेशन का पानी कम पीने का देखा जाता है स्किन में। स्किन में क्या होता है, स्किन एक बार ड्राई हो जाता है, जैसे आपकी ठंडी में स्किन ड्राई पड़ जाता है वैसे ड्राई रहते हैं, हमेशा ड्राई रहते हैं, इससे क्या होता है स्किन इन्फेक्शन बहुत जल्दी हो जाते हैं, खुजली, एक्जिमा या फिर जैसे
एस्किनिया इन सब प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाते हैं आपके बॉडी में, बहुत जल्दी आप ससेप्टेबल हो जाते हैं इन स्किन डिजीज के लिए। चार्म है आपके चेहरे में जो ग्लो है वो कम हो जाता है, क्योंकि हमारे हर एक सेल को जीने के लिए न्यूट्रिशन की ज़रूरत पड़ता है और न्यूट्रिशन पहुँचाता है पानी। अगर आप पानी कम पिएंगे तो आपकी बॉडी में की हर एक सेल में न्यूट्रिशन नहीं पहुँचेगा, खासकर अपने चेहरे में। चेहरे में न्यूट्रिशन नहीं पहुँचेगा तो चेहरा रूखा सूखा लगेगा, आपके जो ग्लो है कॉन्फिडेंस वो कम हो जाएगा, आप खुद को लेकर लो फील करेंगे। तो आपको पानी ज़रूर पीना चाहिए और प्रॉपर तरीके से पीना चाहिए। चौथा है एक्ने एंड पिंपल। यंग एडल्ट्स में खासकर जो टीनेज हैं उनमें ऐसे ही हार्मोनल का इम्बैलेंस रहता है, मतलब हार्मोन का बैलेंस धीरे धीरे चेंजेस होते रहते हैं बॉडी में, हार्मोनल चेंजेस रहते हैं, और उसी टाइम अगर आप पानी कम पियेंगे तो आपको और भी ज़्यादा प्रॉब्लम, मतलब एक तो था ही तो उसके ऊपर दूसरा, तो इससे क्या होता है आपकी बॉडी आपके चेहरे में पिंपल्स एक्नी ये भरपूर मात्रा में आएंगे। और इसके लिए आप मतलब टीनेज हर टीनेजर इतना कुछ ट्राई कर देता है, मतलब कोई भी क्रीम हो, लोशन हो, फेस वॉश हो, ऑयल या फिर अभी मास्क हो, कितने कुछ सब कुछ नुस्खे ट्राई कर लेते हैं, सब कुछ लगाते हैं, कुछ नहीं होता, पर जो सिंपल सॉल्यूशन है वो नहीं करते, पानी नहीं पीते, ये सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो कोशिश करिए कि आप सही मात्रा में पानी पिए। अब कंक्लूशन में क्या आते हैं, हमको दिन में कितना पानी पीना चाहिए, राइट, कि एक लीटर पियो, दो लीटर पियो, तीन लीटर, कितना। तो आपको प्यास लगे या ना लगे, आपको प्यास कम लगे, आपको पानी के पीने का मन हो या ना हो, आपको पानी पीना है, और एक बार में नहीं पीना है, थोड़ी थोड़ी देर बाद बॉडी को डिहाइड्रेट से बचाना है, मतलब हाइड्रेट करना करते जाना है। तो मेडिकल एसोसिएशन में ऐसा कोई फिक्स रूल्स नहीं कि आपको इतना ही पानी पीना है, आप मतलब जो बताया जाता है जो रिसर्च में या फिर मेडिकल एसोसिएशन जो मतलब जो दिया गया है उसके हिसाब से आप दिन में 8 ग्लास से लेकर 12 ग्लास तक पानी पी सकते हैं थोड़े थोड़े इंटरवल में, और एक ग्लास 250 अगर ml का हो तो मतलब 2 लीटर से लेकर 3.5 लीटर तक आप पानी पी सकते हैं, और ये पानी को आपको ज़रूर पीना चाहिए, नहीं तो ये सारे प्रॉब्लम आपको हो सकते हैं। तो दोस्तों मेरा आज का वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताइए। अगर आपको अच्छा लगा मेरा वीडियो तो लाइक करें, कुछ सुझाव हो या फिर कुछ कहना चाहते हैं आप तो मेरे इस वीडियो के कमेंट में आप अपना राय बताएं, और नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बिल्कुल फ्री है, लाल बटन को दबाइए, बेल आइकन को प्रेस करें। अगर आप मेरे वीडियो को लाइक करते तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मुझे और भी टाइम निकाल के आपके लिए और भी इंफॉर्मेटिव और अच्छा वीडियो बनाने का जो मोटिवेशन और इंस्पिरेशन मिलेगा, मैं और भी अच्छे तरीके से आपके साथ शेयर कर पाऊँगा। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, स्टे हेल्दी स्टे हैप्पी। डॉक्टर मीर साइनिंग ऑफ। और हाँ, चीयर्स।